मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक। आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार एक खूबसूरत जगह के बारे में जो सराज द्वीप जो हम लोग नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इस वक्त जो तैनात है हमारे एक्सचेंज कमिश्नर विक्रम सर जी, उनका काफी तारीफ किया जा रहा है। हम लोग से उन्हें तस्वीर हमारे साथ भेजा जा रहा है, वहाँ की जनता ने तस्वीर भेज रहे एक्सचेंज कमिश्नर सराज द्वीप आने के बाद क्या क्या बदलाव आया, उस बदलाव के बारे में मेरे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। तो विक्रम सर जी जो है असिस्टेंट कमिश्नर है ब्लॉक यानी सराजदीप का, वहाँ पे क्या क्या चेंज लाया है कुछ दिनों में, वो तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे और मैं आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। 6.5 नंबर है ब्लॉक में, वहाँ पे स्कूल है जहाँ में जो प्ले ग्राउंड है बंजर जंगलों में तब्दील हो गए थे, उसको तुरंत जो है उसको सफाई करवाया, क्लीन करवाया हिताची द्वारा। ये असिस्टेंट कमिश्नर खुद ये निर्णय लेते हुए करवा रहे हैं। और प्ले ग्राउंड में अभी खेल चल रहे, बच्चे लोग खेल रहे हैं और खेल कूद में जुड़ने का कोशिश किया जा रहा है। एक वक्त था जो प्ले ग्राउंड का जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती, वो प्ले ग्राउंड धीरे धीरे बंजर बनते गए और असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे पहुंचते ये सारे चीजों पे जो है अपना नजर डाले है, जैसे कि प्ले ग्राउंड क्रिकेट ये सारे जो है ग्राउंड को जो है तैयारी की है, और फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट और बच्चे लोगों को जो है जोड़ने का कोशिश करे खेल कूद में। देखिए ये बहुत ही अच्छे जो निर्णय लिया है असिस्टेंट कमिश्नर है ब्लॉक में, और ये करने से क्या होगा हम बता रहे हैं। ऐसा अगर ये करने से अगर फायदा क्या, जो युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, कोई नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे भी अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा है। युवा जो है हमारा आने वाला देश की जो पीढ़ी है, और इस पीढ़ी को बचाने का हर किसी को जरूरत है, हमारा लीडर्स को जरूरत है, हमारे PRI मेंबर की जरूरत है, हमारे लोक प्रतिनिधि की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं उनका काम यहाँ पे नहीं देखा गया, जिस प्ले ग्राउंड का दुर्दशा मैंने देखा, और अभी जो है उन्हें अच्छा से बना के दे रहे हैं और खेल कूद में आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही है। और बताना चाहूंगा असिस्टेंट कमिश्नर का काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं हैब्लॉक की निवासी, जो बच्चे लोगों के साथ कहीं ना कहीं घुल मिल गया और आंगनबाड़ी में जाके देखने का कोशिश किया, खान पान में क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, क्या मेनू है, वो सारे चीज में जो नजर बना के रखे हैं। और हमें अतिक्रमण अगर किया, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया, उसी के ऊपर भी नजर बना के रखे है। और हैब्लॉक के लोग मुझे वहां से हैब्लॉक के निवासी जो हमें वीडियो साझा किया, वो वीडियो अभी देखिए डिस्प्ले में, क्या क्या काम किया असिस्टेंट कमिश्नर, क्या क्या काम किया सराजदीप में, वो तस्वीर आप देखिए किस प्रकार हैब्लॉक का दिशा बदले, वो तस्वीर देखिए। चलिए बने रहिए, वो तस्वीर देखिए और आप स्वयं विचार करें। इस वक्त मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और विषय में, जुड़े रहेगा न्यूज रिपब्लिक अंडमान के साथ। धन्यवाद।